मैं अर्ज किया कि इंसान की जिंदगी चूंकि नक्काली पर गुजरती है और वो हर हर कदम के ऊपर मजबूर है आगे बढ़ने के लिए कि वो किसी के नक्श कदम पे अपने कदम जमाए ताकि ये सफर कामयाबी से तय किया जा सके, उसे खसारे से बचना है, नक्श से बचना है, पस्ती से निकलना है और सरा से सुरैया तक का ये सफर है। इसलिए कि इंसानी हयात का सबसे कमतर दर्जा है ये दुनिया, हमारे सफर का आगाज इस दुनिया से नहीं है बल्कि आलम जर से, आलम बाला से इस सफर का आगाज हुआ और वहां से चलते हुए गोया एक कौस नुजूली की सूरत में हम इस अदना तरीन मंजिल पर पहुंच गए, आला तरीन मंजिल से चले और गोया हाफ सर्किल का सफर तय करके अदना तरीन मंजिल पे आ गए। अब यहां से वापस सफर करना है और फिर उसी बुलंदी के ऊपर पहुंचना है। गोया ये एक दायरे का सफर है कि जिस दायरे के सफर में कौस नुजूली से उतरते हुए हम अदना मंजिल पे आ गए, इस अदना मंजिल का नाम दुनिया है और अब कौस सऊदी से वापस जाते हुए फिर उस मंजिल के ऊपर पहुंचना है। यानी एक डिसेंडिंग आर्क है और एक असेंडिंग, तो अब वापसी का सफर है जो नक्श से कमाल और पस्ती से बुलंदी का सफर है। ये आप इसे यूं भी देख सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि हमने देखा है कि जब रेस होती है कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट जिस जगह होता है वहीं पर फिनिशिंग पॉइंट भी होता है। सर्कुलर वे में इंसान दौड़ता है या गाड़ी दौड़ती है और जहां से शुरू हुई वहीं पर तकरीबन आके खत्म होगी। सवाल यह है कि जब जहां से शुरू हुई वहीं पर खत्म होगी तो फिर इसका फायदा क्या है? जब जहां से आए हैं वहीं जाना है तो फिर इस सफर का फायदा क्या है? फायदा वही है जो मैंने दुनिया की मिसाल आपके सामने पेश की कि जब स्टार्टिंग पॉइंट से चलने वाला चला तो वो कुछ और था, जब फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचा तो वो कुछ और हो चुका था, जब वो चला तो वो एक आम इंसान था, जब वो उस मंजिल के ऊपर पहुंचा अगर कामयाबी से पहुंचा तो वो एक चैंपियन बन चुका था, उसने एक आला दर्जा हासिल कर लिया था। बस बिल्कुल इसी तरह हम चले वहां से और वापस वहीं जाना है मगर इस अदना मंजिल से अपने आप को बुलंद करना है कि जब वहां वापस पहुंचेंगे तो कुछ और बन चुके होंगे, इसलिए कि आजमाइश में कामयाब होकर वहां पहुंचेंगे तो जब रब की खिदमत में हाजिर हो तो कोशिश यह होनी चाहिए कि मुजरिम बना के पेश न किए जाए, बंदे बना के पेश किए जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे।